हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं आपको ये क्रोशिया से बना हुआ डोरमेट बताने वाली हूँ। ये बहुत ही इजी है बनाने में। मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी जो सिखाया है उन्हीं सब चीज़ों से ये बनता है, चेन और डबल क्रोशिया। ये बस इन्हीं दोनों चीज़ों से, दो स्टिचों से बना हुआ ये डोरमेट है। और मेरे पास ये थोड़े थोड़े बचे ऊन हैं, ये देखिए, थोड़े कम हैं, थोड़े ज़्यादा हैं। ये इस तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। आप चाहें तो सिर्फ दो कलर लगाइए या सारे कलर थोड़े थोड़े डार्क एंड लाइट मिला के आप बना सकती हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लाइट कलर से स्टार्ट करूंगी। इसके लिए हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। इसके लिए हम चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। तो ऐसे फंसा ऊन लिया क्रोशिया, जैसे मैंने आपको अपने वीडियो में बताया चेन बनाना, इसी तरीके से ये हम चेन बनाएंगे। ये इस तरीके से ये इसको टाइट किया। अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। ये 16 चेन हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें हम तीन चेन और लेंगे, एक, दो, तीन। ये तीन हो गया। अब यहाँ ये जो तीन के बाद ये जो ऐसे ऊन लिया जो हम लोग डबल क्रोशिया बनाते हैं, ये लिया। और ये जो तीन लिया है, ये जो हमारा 16 हो गया, ये 16वें में इस तरीके से हम इसको डालेंगे। और हम ये पूरे डबल क्रोशिया से, ये 16 डबल क्रोशिया इसमें हम बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये देखिए, ये मैंने बना लिया। ये मेरे 16 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे मेरा एक चेन ये बचा है, इसमें अब मैं बनाऊंगी वन। इसी में मैं फिर टू, थ्री डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इसमें एक चेन ले लेंगे ऐसे, फिर इसी में मैं थ्री और बनाऊंगी, वन, टू, थ्री। ये हो गया। ये अब हम ये राउंड ये बनाने के लिए ये बना रहे हैं। तो इसमें मैंने ये टोटल लास्ट वाले में 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। ये 6 डबल क्रोशिया मैंने ये बना लिया है। ये देखिए, 3 बनाया, फिर 1 चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया। अब इस तरफ से हम इसके नीचे से ये स्टार्ट करेंगे। ये जो चेन पे हम लोगों ने ये 16 बनाया हुआ है, इसके नीचे अब हम लोग फिर यही 16 यहाँ पे, ये देखिए, ये जो गैपिंग हमारी दिख रही है, यहाँ हम लोगों ने बना लिया। ये जो हमारी ये गैपिंग दिख रही है, इसमें से हम ऐसे बनाएंगे। इस तरीके से देखिए, ये जो गैपिंग हमारी दिख रही है, इसमें इस तरीके से हम फिर इसको बना लेंगे। जितनी मेरी गैपिंग है उतनी कवर कर लेंगे। इसको हम यहाँ तक बना लेंगे। ये जो हमारा ये पहला है, ये यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। देखिए, ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए, ये मैंने बना लिया। अब हम लोगों ने जो यहाँ पे तीन चेन छोड़ा था फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाने टाइम, अब यहाँ पे हम फिर 6 बनाएंगे इस चेन में। वन,
two, three, one chain, one, two, three. ये हमारा यहाँ पे ये रो पूरा हो गया, ये रो मेरा पूरा हो गया। आप अगर दूसरा कलर लगाना चाहती हैं, इसको यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे, जो मैंने स्लिप स्टिच बताया था यहाँ पे, इसको ऐसे फिक्स कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे दूसरा कलर लगा के दूसरी रो बनाइए। या आप चाहें तो ये थोड़ा इतना सारा बनाने के बाद आप दूसरा कलर लगाइए, जैसी आपकी इच्छा, आप जो पसंद करें। आप चाहें तो एक एक ऐसा ऐसा रो बना के दूसरा कलर लगाएं, वो भी मैं बता सकती हूँ। और आप चाहें तो थोड़ा सा ये इतना सा बना लीजिए, इसके बाद लगाइए। आप चाहें तो पूरा ये इतना सर्कल बनाने के बाद सिर्फ बॉर्डर दूसरे कलर से बनाइए, ये बॉर्डर दूसरे कलर से बनाइए, ये भी अच्छा लगेगा। जैसे जैसा आपके पास ऊन बचा हो और जैसा आप इसको बनाना चाहें। मैं इसको थोड़ा सा और बनाऊँगी इसी तरह से। अब मैं फिर ये जो हमारी ये देखिए ये गैपिंग दिख रही है ये बनने के बाद, अब मैं इसमें फिर सारे में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं एक चेन लूंगी यहाँ से ऐसे, अब ये सारे में डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी इस तरीके से। मैं डबल क्रोशिया बना लूंगी यहाँ तक, ये देखिए कि मैंने ये रो पूरा कर लिया। अब हमने बीच में ये जो 6 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है यहाँ पे, अब उन सब में से मैं ये एक एक ऐसे बना लूँगी। ये वन, ये टू, और ये मेरा थ्री। ये मैंने एक एक करके ये थ्री मैंने ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमारा फिर ये सेंटर आ जाएगा जो हम लोगों ने ये चेन लिया था, ये जो चेन लिया था, ये जो गैपिंग हमारी है यहाँ पे। अब हम फिर इसमें वन टू, अब इसमें हम फिर थ्री बनाएंगे। ये हो गया थ्री, फिर वन चेन लीजिए, फिर थ्री बनाइए। वन टू, ये थ्री, ये देखिए इस तरीके से बीच में जो हम लोगों ने बनाया था ये फिर थ्री बनाया, वन चेन लिया, फिर थ्री बनाया। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी गोलाई यहाँ पे होती जाएगी, तो ये मेरा ओवल शेप अच्छे से आ जाएगा। अब फिर हम ये पूरा ऐसे ही बनाएंगे यहाँ तक, सारे में एक एक डबल क्रोशिया सब में बनाते जाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया। और यहाँ पर हम फिर ऐसी थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया यहाँ पे कॉर्नर पे बनाएंगे। ये दोनों चीज़ हमारा इस तरीके से बढ़ेगा और इसी से हमारा ये बीच का लेंथ भी बढ़ेगा। चलिए बनाते हैं ये। फिर इधर का भी ये तीन जो बचा, ये देखिए ये गैपिंग दिखती है, ये जो गैपिंग दिख रही है हमारी, ये ऐसे करिए, ये सारी गैपिंग दिखती है तो इसमें ऐसे डालिए। ये जो हम लोग ये दूसरा वाला बनाते हैं, ये दूसरा जब डबल क्रोशिया जब हम पूरा करते हैं, एक बार दो लिया तो ये बनाने के बाद ये जो गैपिंग हमारी आ जाती है, इसी में हम नेक्स्ट लाइन में बनाते हैं। ये ऐसे इस तरह से हम हर सिंगल ये डबल क्रोशिया हर ये सिंगल लाइन में बनाते जाएंगे इस तरीके से, यहाँ तक हम फिर बनाते जाएंगे। देखिए ऐसे, ये ऐसे हमारा बीच में बढ़ता जाएगा। देखिए ये मैंने बना लिया, फिर हम यहाँ सेंटर में आ गए। अब इस यहाँ पर हम फिर वही थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री, वन चेन, वन टू थ्री। अब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया है,
तो फिर इसको भी हम यहाँ पे वन टू ये थ्री ये किया, और यहाँ पे ये देखिए ये हम लोगों ने पिछली बार जोड़ा था, यहाँ पे हम ये इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देंगे। अब हम इसमें चाहें तो दूसरा कलर लगाएं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब इसको ये मेरे पास एक डार्क कलर है, मैं इसको यहाँ पे बांध लूँगी। बहुत लोग ऐसे भी फंसा के बना लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की होता है कि बाद में कहीं खुल ना जाए। इसको ऐसे बना लिया। अब इस ऊन को ऐसे पीछे दबा दीजिए, क्योंकि आगे मैं फिर नेक्स्ट रो इससे बनाऊंगी। तो इसमें अब ये जो हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा, ये मेरे पास ये एक चेन टाइप का दिख रहा है, इसमें मैं एक चेन लूँगी। इस तरीके से मैं एक चेन लूँगी, और अब फिर मैं हर इसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाती जाऊँगी। यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी इस तरीके से, ये इस तरीके से मैं फिर पूरी रो बनाऊंगी। फिर मैं पूरी रो बना लूंगी इस तरीके से। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से ये रो पूरी कर ली है, और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम क्योंकि अब हमारा ये लेंथ बढ़ रहा है, तो इसके लिए अब हम ये थर्ड रो के बाद से इसको आप चाहें तो यहाँ से फिर एक एक लाइन लगाएं, एक एक लाइन लगाएं, और इसको ये यहाँ से अब मैं इससे चेन लूँगी ये इस तरीके से, और अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगी। मैं यहाँ से बनाऊँगी फिर, ये देखिए वन टू थ्री, ये होने के बाद कि जो चौथा हमारा ये आएगा, इसमें मैं ये दो बार बनाऊंगी, वन एंड टू। फिर इसी तरीके से वन टू थ्री, फिर वन टू। इसी तरह से आप करती जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी ये जो काउंटिंग यहाँ आ रही है तो पूरी परफेक्ट बैठे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी हो, क्योंकि बीच बीच में हमने थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाना है, तो इस तरीके से हम ये देखें बीच बीच में जब दो दो करेंगे तो हमारा ये बढ़ता जाएगा। इस तरीके से फिर मैं पूरी रो यहाँ से यहाँ तक बना लूँगी। ये देखिए ये दो के बाद, ये तीन करने के बाद अभी मेरा यहाँ पे एक बचा है, और ये मेरा सेंटर आ गया है। तो मैं यहाँ पे भी सिर्फ सिंगल ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे सेंटर में छः बनाने हैं सेंटर वाला। फिर मैं उसी तरीके से बनाऊँगी, वन टू थ्री, वन चेन, वन टू थ्री, ये हो गया। फिर इसके बाद मैं थ्री बना के फिर वैसे ही फोर्थ मैं डबल करूँगी, वन टू थ्री, फोर्थ में मैं डबल करूँगी, वन एंड टू। इसी तरीके से मैं फिर पूरा रो करूँगी। सेंटर हमारा हर बार इसी तरीके से बनेगा, ये हमारा हर बार इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि इससे मेरा इधर और इधर ये भी मेरा लेंथ बढ़ा रहा है। ये चेन सिंगल क्रोशिया से डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया जो भी आप बनाइए, इससे हमारा ये लेंथ बढ़ता है। तो इसको मैं इसी तरह रखूँगी। ये देखिए ये मैंने बना के यहाँ पे जोड़ लिया है इस तरीके से।
इस तरीके से मेरा ये ना झोल आएगा ना बहुत टाइट आएगा, ये खिंचाव नहीं आना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फिर अच्छे से शेप नहीं आता इसका। ये देखिए, और ये नेक्स्ट रो में टोटल सिंगल क्रोचेट सब में, ये डबल क्रोचेट एक बनाऊंगी। ये जो हम लोगों ने ये डबल किया है अब इस रो में मैं नहीं बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट जब मैं ये रो लगाऊंगी तो फिर मैं इसी तरीके से हर तीन के बाद एक ये करती जाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से आप बनाइए जितना बड़ा आप बनाना चाहें, ये मेरा इतना बड़ा है, आप चाहें तो इससे और बड़ा भी बना सकती हैं, इसमें आपकी इच्छा है कि आप कितना बड़ा रो बनाते हैं। ये इस तरीके से आप ये बनाइए, एक रो पूरी डबल क्रोशिया से दोनों तरफ से, ये यहाँ पे वही थ्री थ्री बनता जाएगा, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, फिर सिंगल, और हर ये डार्क वाले में मैं ये सिंगल क्रोश, ये डबल क्रोशिया बनाऊंगी, सिंगल लाइन जिसमें मैं कुछ नहीं करूंगी, और जब मैं ये लाइट लगाऊंगी तो ये हर थ्री के बाद मैं ये ऐसे डबल ये करती जाऊँगी। तो आप भी इसे बनाइए, मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। ये अब हम ये राउंड ये बनाने के लिए ये बना रहे हैं, तो इसमें मैंने ये टोटल लास्ट वाले में सिक्स डबल क्रोशिया बना लिया है, ये सिक्स डबल क्रोशिया मैंने ये बना लिया है। ये देखिए थ्री बनाया, फिर वन चेन, फिर ये थ्री डबल क्रोशिया। अब इस तरफ से हम इसके नीचे से ये स्टार्ट करेंगे, ये जो चेन पे हम लोगों ने ये 16 बनाया हुआ है इसके नीचे अब हम लोग फिर यही 16 यहाँ पे, ये देखिए ये जो गैपिंग हमारी दिख रही है यहाँ हम लोगों ने बना लिया, ये जो हमारी ये गैपिंग दिख रही है इसमें से हम ऐसे बनाएंगे। इस तरीके से देखिए ये जो गैपिंग हमारी दिख रही है इसमें इस तरीके से हम फिर इसको बना लेंगे, जितनी मेरी गैपिंग है उतनी कवर कर लेंगे, इसको हम यहाँ तक बना लेंगे। ये जो हमारा ये पहला है ये यहाँ तक हम इसको बना लेंगे। देखिए ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए ये मैंने बना लिया। अब हम लोगों ने जो यहाँ पे तीन चेन छोड़ा था फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाने टाइम, अब यहाँ पे हम फिर छः बनाएंगे इस चेन में, ये वन टू थ्री, वन चेन, वन टू थ्री, ये हमारा यहाँ पे ये रो पूरा हो गया, ये रो मेरा पूरा हो गया। आप अगर दूसरा कलर लगाना चाहती हैं इसको यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे जो मैंने स्लिप स्टिच बताया था यहाँ पे इसको ऐसे फिक्स कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे दूसरा कलर लगा के दूसरी रो बनाइए, या आप चाहें तो ये थोड़ा इतना सारा बनाने के बाद आप दूसरा कलर लगाइए, जैसी आपकी इच्छा, आप जो पसंद करें। आप चाहें तो एक एक ऐसा ऐसा रो बना के दूसरा कलर लगाएं, वो भी मैं बता सकती हूँ, और आप चाहें तो थोड़ा सा ये इतना सा बना लीजिए इसके बाद लगाइए, आप चाहें तो पूरा ये इतना सर्कल बनाने के बाद सिर्फ बॉर्डर दूसरे कलर से बनाइए, ये बॉर्डर दूसरे कलर से बनाइए, ये भी अच्छा लगेगा। जैसे जैसा आपके पास ऊन बचा हो और जैसा आप इसको बनाना चाहें, मैं इसको थोड़ा सा और बनाऊंगी इसी तरह से। अब मैं फिर ये जो हमारी ये देखिए ये गैपिंग दिख रही है ये बनने के बाद, अब मैं इसमें फिर सारे में डबल क्रोशिया, ये आप चाहें तो पूरा ये इतना सर्कल बनाने के बाद सिर्फ बॉर्डर दूसरे कलर से बनाइए, ये बॉर्डर दूसरे कलर से बनाइए, ये भी अच्छा लगेगा। जैसे जैसा आपके पास ऊन बचा हो और जैसा आप इसको बनाना चाहें, मैं इसको थोड़ा सा और बनाऊंगी इसी तरह से। अब मैं फिर ये जो हमारी ये देखिए ये गैपिंग दिख रही है ये बनने के बाद, अब मैं इसमें फिर सारे में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैं एक चेन लूँगी यहाँ से ऐसे, अब ये सारे में डबल क्रोशिया मैं बनाऊंगी, इस तरीके से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी यहाँ तक। ये देखिए
ये मैंने ये रो पूरा कर लिया। अब हमने बीच में ये जो 6 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है यहाँ पे, अब उन सब में से मैं ये एक एक ऐसे बना लूँगी। ये 1, ये 2 और ये मेरा 3। ये मैंने एक एक करके ये 3 मैंने ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमारा फिर ये सेंटर आ जाएगा जो हम लोगों ने ये चेन लिया था, ये जो चेन लिया था, ये जो गैपिंग हमारी है यहाँ पे, अब हम फिर इसमें 1, 2, अब इसमें हम फिर 3 बनाएंगे। ये हो गया 3, फिर 1 चेन लीजिए, फिर 3 बनाइए, 1, 2, ये 3, ये देखिए इस तरीके से बीच में जो हम लोगों ने बनाया था ये फिर 3 बनाया, 1 चेन लिया, फिर 3 बनाया, ये देखिए इस तरीके से ये हमारी गोलाई यहाँ पे होती जाएगी, तो ये मेरा ओवल शेप अच्छे से आ जाएगा। अब फिर हम ये पूरा ऐसे ही बनाएंगे यहाँ तक, सारे में एक एक डबल क्रोशिया सब में बनाते जाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पे हम फिर ऐसी 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे कॉर्नर पे बनाएंगे। ये दोनों चीज़ हमारा इस तरीके से बढ़ेगा और इसी से हमारा ये बीच का लेंथ भी बढ़ेगा। चलिए बनाते हैं ये, फिर इधर का भी ये 3 जो बचा, ये देखिए ये गैपिंग दिखती है, ये जो गैपिंग दिख रही है हमारी, ये ऐसे करिए, ये सारी गैपिंग दिखती है, तो इसमें ऐसे डालिए ये जो हम लोग ये दूसरा वाला बनाते हैं, ये दूसरा जब डबल क्रोशिया जब हम पूरा करते हैं, एक बार दो लिया तो ये बनाने के बाद ये जो गैपिंग हमारी आ जाती है इसी में हम नेक्स्ट लाइन में बनाते हैं। इनको ऐसे पीछे दबा दीजिए क्योंकि आगे मैं फिर नेक्स्ट रो इससे बनाऊँगी। तो इसमें अब ये जो हमने स्लिप स्टिच से जोड़ा, ये मेरे पास ये एक चेन टाइप का दिख रहा है, इसमें मैं एक चेन लूँगी, इस तरीके से मैं एक चेन लूँगी, और अब फिर मैं हर इसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगी इस तरीके से, ये इस तरीके से मैं फिर पूरी रो बनाऊंगी, फिर मैं पूरी रो बना लूंगी इस तरीके से, ये देखिए ये मैंने इस तरीके से ये रो पूरी कर ली है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम क्योंकि अब हमारा ये लेंथ बढ़ रहा है तो इसके लिए अब हम ये थर्ड रो के बाद से इसको आप चाहें तो यहाँ से फिर एक एक लाइन लगाएं, एक एक लाइन लगाएं और इसको ये यहाँ से अब मैं इससे चेन लूँगी ये इस तरीके से, और अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगी, मैं यहाँ से बनाऊँगी, फिर ये देखिए 1, 2, 3 ये होने के बाद कि जो चौथा हमारा ये आएगा इसमें मैं ये 2 बार बनाऊंगी, 1 एंड 2, फिर इसी तरीके से 1, 2, 3, फिर 1, 2, इसी तरह से आप करती जाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी ये जो काउंटिंग यहाँ आ रही है तो पूरी परफेक्ट बैठे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी हो, क्योंकि बीच बीच में हमने थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाना है, तो इस तरीके से हम ये देखें बीच बीच में जब दो दो करेंगे तो हमारा ये बढ़ता जाएगा इस तरीके से। फिर मैं पूरी रो यहाँ से यहाँ तक बना लूँगी।
ये देखिए, ये दो के बाद, ये तीन करने के बाद अभी मेरा यहाँ पे एक बचा है और ये मेरा सेंटर आ गया है। तो मैं यहाँ पे भी सिर्फ सिंगल ही बनाऊँगी क्योंकि फिर मुझे सेंटर में छः बनाने हैं सेंटर वाला। फिर मैं उसी तरीके से चेन बनाएंगे। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे, तो ऐसे रस्सा उन लिया, क्रोशिया, जैसे मैंने आपको अपने वीडियो में बताया चेन बनाना, इसी तरीके से ये हम चेन बनाएंगे। ये इस तरीके से ये इसको टाइट किया। अब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, ये सोलह चेन हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें हम तीन चेन और लेंगे, एक, दो, तीन, ये तीन हो गया। अब यहाँ ये जो तीन के बाद ये जो ऐसे ऊन लिया जो हम लोग डबल क्रोशिया बनाते हैं, ये लिया, और ये जो तीन लिया है, ये जो हमारा सोलह हो गया, ये सोलहवें में इस तरीके से हम इसको डालेंगे और हम ये पूरे डबल क्रोशिया से ये सोलह डबल क्रोशिया इसमें हम बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये देखिए ये मैंने बना लिया, ये मेरे 16 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे मेरा एक चेन ये बचा है, इसमें अब मैं बनाऊँगी वन, इसी में मैं फिर टू, थ्री डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इसमें एक चेन ले लेंगे ऐसे, फिर इसी में मैं थ्री और बनाऊंगी, वन, टू, थ्री, ये हो गया। ये अब हम ये राउंड ये बनाने के लिए ये बना रहे हैं, तो इसमें मैंने ये टोटल लास्ट वाले में 6 डबल क्रोशिया बना लिया है। ये 6 डबल क्रोशिया मैंने ये बना लिया है, ये देखिए 3 बनाया, फिर 1 चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशिया। अब इस तरफ से हम इसके नीचे से ये स्टार्ट करेंगे, ये जो चेन पे हम लोगों ने ये 16 बनाया हुआ है, इसके नीचे